हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं अब रुख करते हैं सुपर फास्ट 100 का। कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की। इसी बीच बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का 18वां राज्यपाल बनाया गया। बीजेपी के सीनियर नेता बंडारू दत्तात्रेय को उनके गृह क्षेत्र में पीपल्स लीडर कहा जाता है। बंडारू दत्तात्रेय प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको उचित मार्गदर्शन में प्रदेश एवं प्रदेशवासी और अधिक खुशहाल एवं समृद्ध होंगे। हरियाणा कांग्रेस में चल रही कला की खबरों के बीच आज हुड्डा समर्थित 8 विधायकों ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हमने पंचायत और निकाय चुनावों के साथ ही संगठन विस्तार को लेकर अपने नेता से मुलाकात की है। प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। बता दें कि विधायकों से मिलने से पहले विवेक बंसल ने हुड्डा निवास पूर्व सीएम हुड्डा से भी मुलाकात की थी। करनाल के असंध हलके से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि जो विधायक कांग्रेस से ऊपर किसी नेता को समझते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को समझते हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि ये सब लोग कांग्रेस की वजह से ही मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बड़ा कोई नेता नहीं है। वहीं नेतृत्व के बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इधर कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी निशाना साधा। बीजेपी के सांसद राजकुमार चहर ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ फेसबुक और ट्विटर की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने कर्मों से खत्म हुई और अब वो अपनी अंतर्कला से खत्म हो जाएगी। बिश्नोई ने मंगलवार को अपनी 21 सदस्यों की टीम के साथ गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। वहीं चंद्रमोहन की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि चंद्रमोहन ने सभी अटकलों को नकार कहा। अनिल विज ने भी कहा कि पूरे हरियाणा के कई मंत्री उनसे कोई भी मिलने आ सकता है, वो सबका काम करेंगे। इस दौरान चंद्रमोहन और उनके साथ आए कांग्रेसी पार्षदों ने पंचकुला की समस्याओं को लेकर अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में निष्क्रिय नहीं, राजनीति में सक्रिय रहा था। उनका कहना है कि स्वर्गीय देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी के संदर्भ में उन्होंने हाजिरी लगाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समूचे राष्ट्र के लोग मौजूदा कुशासन से दुखी हैं। किसान संघर्ष के जरिए 36 बिरादरी के लोग सरकार के खिलाफ हैं। चुनाव ना लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। मुझे उम्मीद है मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़ने में ज्यादा यकीन करता हूं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले युग पुरुष थे। एक देश एक विधान और एक निशान ही उनका सपना था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा करने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने सामुदायिक भवन में पौधारोपण भी किया और सभी एक पौधा लगाने से अपील भी की।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगार आवेदकों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल खदरी ने बताया कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए 7 अगस्त और 8 अगस्त को सुबह शाम दोनों समय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं पुरुष कांस्टेबल कमांडो में फिजिकल परीक्षा का आयोजन एक दिन पंचकुला में होगा। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धिक्कार रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा न्यूज से बातचीत में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मछली की आंख की तरह किसानों का लक्ष्य कृषि कानून की वापसी है। जब तक कृषि कानूनों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा चुनावों में किसानों की भूमिका के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव लड़वाना हरवाना हमारा काम नहीं है, हम किसानों की बात करेंगे। किसान नेताओं के आपसी मतभेद को उन्होंने आंदोलन के विरोधी नेताओं का सपना बताया। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की जिसमें चडूनी ने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तानी से आया हुआ बताया था। संघ ने चडूनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सेक्टर 21 के कार्यालय पर पुलिस कमिश्नर को इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा और चडूनी से अपने बयान पर माफी मांगने को भी कहा। हिसार में पानी की कमी से परेशान 23 गांव के लोग अपनी अर्जी लेकर जिला सिंचाई अधिकारी के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने पहले कार्यालय परिसर में बैठकर एक घंटे तक धरना दिया, फिर भी जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो जिला सिंचाई अधिकारी के कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों से कहा कि अगर भाखड़ा में पानी का स्तर बढ़ता है तो ही वे पानी पिएंगे। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी से कहा कि भले ही उनकी फसलें सूख जाएं, लेकिन पीने के पानी के लिए दिक्कत ना हो। फतेहाबाद जिले में कोई भी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जहां डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ की कमी ना हो। जिला मुख्यालय में डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 42 में सिर्फ 17 डॉक्टर ही यहां काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर बने नागरिक अस्पताल के मेडिसिन विभाग में कोई भी डॉक्टर ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रेवाड़ी जिला इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 15 जुलाई तक स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है, इसे आगे नहीं बढ़ाने के लिए ज्ञापन में यह बात कही गई है। उनका कहना है कि अगर सरकार अवकाश को आगे बढ़ाती है तो हरियाणा स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरेगी और सरकार के फैसले का विरोध करेगी। गोहाना में मुडलाना ब्लॉक के तहत काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को वक्त पर काम और मेहनताना नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए अधिकारियों से मुलाकात की। मजदूरों ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नहर की सफाई कराई जा रही है। नहर की सफाई के अंतर्गत 14 दिनों का काम आया हुआ है, लेकिन यहां के अधिकारियों ने मजदूरों को सिर्फ 2 दिन का काम ही दिया। मजदूरों की ओर से बार बार पूछने के बावजूद भी अधिकारी संतोष जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही काम खत्म हो चुका है, जब उनके पास काम आता है तो अधिकारी 1-2 दिन काम करवाकर दोबारा काम पर नहीं बुलाते। गोहाना नगर परिषद के कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने के बाद अब दोबारा से यहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एसडीएम ने अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए कहा कि उनकी तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते मतदाताओं की समस्याएं सुनने का काम को रोक दिया गया है, लेकिन अब दोबारा से बीएलओ सुपरवाइजरों को बैठक कर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।
एसडीएम ने यह भी बताया कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। देश में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ सहित 8 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर उतरेंगी। इनके अलावा हिसार जयपुर रेवाड़ी फ्लोरा और जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर सहित तमाम ट्रेनों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही ज्यादा रेलवे रूटों पर फिर से ट्रेन शुरू होगी। पैसेंजर ट्रेन पटरी पर आने से यात्रियों को भारी राहत मिली है, लेकिन किराया एक्सप्रेस का ही है। दैनिक यात्री लंबे समय से पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है। करीब 4 महीने बाद पहली बार देश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में देश में 34,703 नए मामले सामने आए। नए मरीजों के साथ कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 3 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना से एक दिन में 553 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,00,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,64,357 हो गई है और यह कुल संक्रमण का 1.52% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 1.32% है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल 35.75 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए केस सामने आए। पलवल में 10, गुरुग्राम में 4, हिसार में 5 और यमुनानगर में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी तरह करनाल भिवानी में भी 4-4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 117 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 10 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। प्रदेश में कोरोना के अब तक 7,68,957 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 7,58,348 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट 98.62% पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के खिलाफ जहां देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं इसी आड़ में कुछ ऐसा अस्पताल भी हैं जो लोगों से वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़े कर रहे हैं। गुरुग्राम के झारसा रोड स्थित चिरंजीवी अस्पताल द्वारा 53 लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम द्वारा चिरंजीवी अस्पताल के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। बाजार में हर चीजों का दाम पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर डीजल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा और हर चीज आपके घर तक पहुंचने वाली महंगी हो जाएगी। जींद में खनन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारी पर ट्रैक्टर चालक से पैसा मांगने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर ट्रैक्टर चालकों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मामला संज्ञान में आते ही डीसी आदित्य धैया ने इसकी जांच के लिए टीम गठित की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ट्रैक्टर चालकों का कहना है कि खनन विभाग के अधिकारियों ने पहले पैसे की मांग की और अपने रिश्तेदार के घर मुफ्त में मिट्टी डालने के लिए दबाव बनाया। ट्रैक्टर चालकों ने अधिकारी का एक ऑडियो भी जारी किया है, जिसको लेकर ट्रैक्टर चालक गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 मोड़ के पास बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर शराब के ठेके से 4 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने ठेके में घुसते वक्त गोलियां चलाई, गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। बदमाश जाते वक्त महंगी शराब की बोतलें भी साथ ले गए और कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में रोजाना हो रही लूट की घटनाओं पर पुलिस चुप है, कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वही लूट की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाश शराब की दुकानों और फैक्ट्रियों को निशाना बना रहे हैं। हाल के गर्मी सीजन के दौरान हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा बिजली खपत और लोड का रिकॉर्ड टूटा है, जिसके चलते हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है। जिसके तहत उपभोक्ताओं 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगवाकर या पुराने एसी को बदलकर अपनी बिजली बिल को कम कर सकते हैं, जिसके लिए बिजली विभाग उपभोक्ता को सब्सिडी भी देगा। इस योजना के लिए बिजली विभाग की ओर से डेकन ब्लू स्टार वोल्टेज के साथ साथ करार किया गया है। उपभोक्ता भी सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारे पैसों की काफी बचत होगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय गांव जहारी के कला अध्यापक नरेश आकाश को अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सरकारी स्कूल में बतौर टीचर रहते हुए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। गोहाना के मोर चौक पर स्कूटी सवारों की पुलिस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तीनों युवक नशे में स्कूटी चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर 28,000 रुपए का चालान भी काटा है। गोहाना के शामड़ी गांव के रहने वाले युवक भूपेंद्र ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का वीजा लगवाने और स्थायी नागरिकता दिलवाने के नाम पर 67 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मुटलाना थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में फर्जी तरीके से दिव्यांग पेंशन बनाने का धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर समाज कल्याण विभाग भी आंखें मूंद कर पेंशन बनाने का काम कर रहा था। खुलासा होने पर अब तक 5 ऐसे केस सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से अपात्र होते हुए भी दिव्यांगों के खाते से पेंशन ले रहे थे। जब मामला सीएम फ्लाइंग तक पहुंचा तो विभाग की आंख खुली। विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपने अपने स्तर पर विकलांग पेंशन के साथ लगे प्रमाण पत्रों की जांच की। नागरिक अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि ये सारे पत्र फर्जी हैं। रविवार को लापता हुए यमुनानगर के औरंगाबाद निवासी अजय का शव पश्चिमी यमुना नहर से मिला। रात भर की तलाशी के बाद युवक का शव बरामद हुआ। वहीं युवक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर आरोप लगाया है कि अजय के साथ उसके 4 दोस्त भी गए थे और उनकी वजह से हुई उसकी मौत हुई है। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया और परिजनों के बयान पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ बदमाश युवकों ने यहां पर गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ की और लोगों के घरों में ईंट पत्थर फेंके। इधर फतेहाबाद में विजिलेंस टीम ने भट्टू कलां थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर जीतन राम ने मंदोरी निवासी सहदेव नामक व्यक्ति से उसकी गाड़ी छुड़वाने की एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले आरोपी एसआई पीड़ित से 3,000 रुपए रिश्वत ले चुका है। सोमवार को बचे हुए 4,000 रुपए लेने के दौरान विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया।
CIA3 ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर 5 करोड़ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 लाख रुपए बरामद किए। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि मोहम्मद शहवार ने हैदराबाद स्थित रेमडेसिविर बनाने वाली मूल कंपनी हेट्रोजेट को 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने फर्जीवाड़े का प्लान बनाया। उसने पंचकुला स्थित सनविट फार्मा कंपनी को बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक पिप्रोटेजो के 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जिसमें से 12,000 इंजेक्शन मिले। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनके स्टिकर निकालकर हेट्रोजेट कंपनी के स्टिकर और रैपर छपवाए और इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर का नाम पर भेजे। किसान का धान का सीजन चला हुआ है। इस सीजन के दौरान किसानों के साथ दुर्घटनाओं की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल के मलिकपुर गांव से सामने आया है, जहां 30 साल के किसान के खेत में करंट लगने से मौत हो गई। सिरसा के बेगू गांव में रविवार को निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। इस दौरान मलबे के नीचे एक मजदूर दब गया, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से लेंटर के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई। हादसे के बाद से मकान मालिक और ठेकेदारों दोनों गायब है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। दोनों खिलाड़ी 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में एक पहलवान बजरंग पूनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में देश को जींद के पहलवान अंशु मलिक से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल जींद के गांव निडानी से दंगल की शुरुआत करने वाली अंशु मलिक अब टोक्यो ओलंपिक का टिकट लेकर पोलैंड में प्रैक्टिस कर रही हैं। गौरतलब है कि टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।